बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डीएसए साहब का कि मेरे चेयरमैन को कॉल करके मेरा पेपर आज पोस्टपोन ना कराते तो शायद मैं आज यहाँ पे ना बैठा होता। दूसरी बात यह है कि मुख्तसर चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। ज्यूरी पैनल की तरफ से हम शुक्रगुजार हैं इन चीज़ों के। क्रिटिक के लिए बाकी लोग आएंगे। मेरी पुरानी तकरीर है, मैं सिर्फ कुछ पैराग्राफ ही उसके शेयर करूंगा क्योंकि ये उससे बड़ी आजमाइश है जब मुनसिफी के बाद आप बुलाएं कि आप तकरीर करें। शायद मैं अपने मवाद के साथ इंसाफ ना कर सकूं लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पसंद आए। तकरीर का उन्वान है कि हिला के रख दिया। कल रात डेंगी ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मैंने खुजली की, इसमें मेरा सुकून था। और जानबूझकर भी मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि उसकी नसों में मेरा खून था। और अम्मा उसकी भेंगी कानी, अब्बा उसका गुंगा था। मैं जिसे रानी समझा वो तो राना टुंगा था। और इस आशिकी ने मुजरिम बना के रख दिया, पुलिस के हत्थे चढ़ा के रख दिया। उन्होंने पैंट में छोड़े चूहे, पांचे किए बंद और फिर हिला के रख दिया। तो मेरे मोना लीजा जैसे हसीन भाइयों और कोंडा लीजा जैसी संगीन बहनों, मेरी आज की तकरीर परवीन के नाम। जनाबे सदर, परवीन मेरे सौतेले चचा के सगे भाई की पहली बीवी के तीसरे शोहर की 13वीं बच्ची थी, इसलिए आज तक समझ नहीं आया किस तरह बच्ची। तो जरा गौर फरमाइए, ये उन दिनों की बात है जब हम थे उन पर नजरें जमाए, दांतों में उंगली दबाए, आंखों पे चश्मा सजाए और वो जो बीजेडीयू में आए तो हाय हाय हाय। मैंने उनको देखा, उन्होंने दूसरी तरफ देखा। मैं जो मुस्कुराया, उन्होंने मुंह बनाया। लेकिन जब वो खिलखिलाया तो टिक टिक का पान मसाला हम दोनों ने खाया, बड़ा मजा आया। फिर उसके उसने मारा गोला, होने वाला था कोई रोला, लड़की थी या गोर में कोला, हाय मेरे मोला हाय मेरे मोला। जुल्फे उसकी गिली गिली, साड़ी उसकी नीली पीली, चाल थी उसकी ढीली ढीली। मेरे ख्याल में उसके पास पेचकस नहीं था। और पेचकस ढूंढते ढूंढते मुझे देखकर उसने छनकाई प्यार की वंग माहिया, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया। बस यही अदा मेरे दिल में कुछ इस तरह से बस गई जिस तरह छोटे से रक्षे में आपदा परवीन फंस गई। फिर इतवार की रात हुई, हमारी पहली मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे के इतना करीब आते हैं जिस तरह आटे को देकर गरीब आते हैं। वो आगे बढ़ी, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी। जनाबे सदर, उसकी बहती नाक देखकर मुझे यूं लगा जैसे पिघली हुई कुल्फी हो। और उसकी सुर्ख आंखों में डूबकर मैं हो गया बेगाना। वो तो बाद में पता चला पगली चर्स पीती थी रोजाना। मैं बोला मेरी जुल्फों को नरमी से छू लो वरना पापी छू लो पापी छू लो। वो बोली नीला पीला रंग न कर पप्पू यार तंग न कर। उसे मनाने रियो बिस्किट लेके गया मैं छत के ऊपर। वो बोली प्यार मोहब्बत से भी ऊपर बिग फ्रिंग सुपर। और अब न वो इकरार करती है न वो इनकार करती है, मेरे ही सपनों में आके फारूक साहब से प्यार करती है। वाक्य के बाद मुझ पे आया हुआ कि लाहौर की लड़कियां ढोलकी बजाती हैं, फैसलाबाद की लड़कियां जुगते लगाती हैं, मुल्तान की लड़कियां आंखें दिखाती हैं और बीजेडीयू की लड़कियां पगल बनाती हैं। और खांसी की दवा वक्त पे न लो तो टीबी बन जाती है, महबूबा वक्त पे न बदलो तो बीवी बन जाती है। और इस बार मैंने महबूब की बजाय जमाने को बदलने की ठानी, मगर मुझे देखकर हुई हैरानी कि बजाहिर तो लैपटॉप देने वाले मेरिट नवाज नजर आते हैं पर करप्शन के मामले में ये तो शाबाज नजर आते हैं। मौलाना साहब को खान साहब का जींस में नमाज पढ़ना नाजायज लगता है क्योंकि जींस खुद पहने में रुकावट, उनका अपना साइज लगता है।
जो लोग ठेकेदारों को भी 10% कमीशन देने पर मना लेते हैं तो हालात जिंदगी उन्हें सदर पाकिस्तान बना देते हैं। गैर मुल्की फंड लेकर अफवाज की हालत को संगीन रखना है तो अलेफ बे पे पे यकीन रखना है। सस्ती रोटी स्कीम में 22 अरब की करप्शन कारनामा खास है। साबका वजीर तालीम एफए किए बगैर बीए पास है और बच्चे दो ही अच्छे या फैमिली प्लानिंग की चॉइस है। फिर दो साशे के मुताबिक हफ्ते में दो छुट्टियां आबादी बढ़ने का बायस है। ऊपर से हो जाती है गैस की बहरानी पेट्रोल की गिरानी तो सुन के अपने मुल्क की दर्द भरी कहानी। मैं बैतुल खला में बैठ गया मैं खाना समझकर लोटे का पानी पी गया पैमाना समझकर। जनाबे सदर इस मुआशी नाइंसाफी के बाद मैंने छोड़ दिया अपनी मोहब्बत परवीन को तरजीह दी इकबाल के शाहीन को। सबसे पहला बसेरा किया पहाड़ों की चट्टानों पर फायरिंग करके भगा दिया बनारस के पठानों ने। फिर जिंदगी की भीड़ में कुछ इस तरह से खो गए पता ही नहीं चला आलू 80 रुपए किलो हो गए और वसी होने लगा मेरा नॉलेज तो मैंने दाखिला ले लिया फार्मेसी कॉलेज। और यहाँ पर आने के बाद मुझ पर आया हुआ इस मुआशरे में कोई लड़की खांसे तो सुघड़पन लड़का खांसे तो दमे का मरीज। क्लास में लड़का सवाल पूछे तो ओछा लड़की पूछे ओ अच्छा लड़की एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास लड़की जाए तो आयवा हम जाए तो वेरी टफ आयवा और लड़की जुल्फे लहरा के आए तो शिल्पा सेठी हम जेल भी लगाए तो नजम सेठी। और लड़की कैट वॉक करे तो हक हम करें तो मर्दानगी बेशक। हकीकत तो यह है कि औरत के मुकाबले में मर्द हमेशा ज्यादा खूबसूरत होता है। यकीन नहीं आता तो मुर्गे को देख लो शेर को देख लो मोर को देख लो या फिर वसीम बिलोर को देख लो। इस वाक्य के बाद मैं घर गया और मास्टर के मल्टीफॉर्म पे सो गया। सुबह उठा तो एक खत मेरे नाम भिजवाया गया था मुझे जख मारने बुलवाया गया था। वहां बैठा किसी का प्यू था वो मेरा इंटरव्यू था। मुझसे पहला सवाल आप वसीम हैं मैंने कहा नहीं करिश्मा कपूर। मुझसे दूसरा सवाल आपके भाई की मूछे हैं आपकी नहीं मैं बोला वो अबू पे गया मैं अमी पे गया। मुझसे तीसरा सवाल कि न्यूज चैनल देखकर आप परेशान क्यों होते हैं मैंने कहा इसलिए कि एक्सप्रेस न्यूज वाले ये कहकर सबको डराते हैं कि जो सब छुपाते हैं वो हम दिखाते हैं। मुझसे चौथा सवाल कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखते हैं मैंने कहा इसलिए कि किसी के मुंह से ये ना निकल जाए ओए ये तो मेरी वाली है। वो सारे का सारा अमला मेरी बातों से हो गया कमला। अजीब था उनका रिएक्शन मेरी हो गई रिजेक्शन। और नाकाम होने के बाद मैंने अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना चाही तो उनके मुहाफिजों ने मुझे इतना मारा जितना ही दो हाथों से मारा जा सकता है फिर भी आखिर दो हाथों से कितना मारा जा सकता है। और मार खाने के बाद मैंने उनकी बात को इतना ताड़ा जितना इन दो आंखों से ताड़ा जा सकता है फिर भी आखिर दो आंखों से कितना ताड़ा जा सकता है। और उसे ताड़ने के बाद मैं वहां से इतना भागा जितने इन दो टांगों से भागा जा सकता है फिर भी आखिर दो टांगों से कितना भागा जा सकता है कि अचानक भागते भागते सूर्य की किरणों ने मुझे मेरी आंखों को चमका के रख दिया। दबोचा पुलिस ने तो घुटनों को मेरी हिला के रख दिया। और जेल जाने के बाद मुझसे रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था सब हरियान थे उसने ऐसा अब्बा कहां से लब्बा था। और उसके नाना ने भी ये कहकर मुझसे रिश्ता तोड़ दिया कि मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं। और मेरी सास जो रंग बदलने से पहले मुझे समझती थी शहजादा पेरिस कहने लगी यू रेमंड डेविस मगर इसके बावजूद मैंने लिख दिया खत उसको सब्र करके दिल में अरमानों की कब्र करके। भोली भाली समझ न सकी मेरे प्यार को दे दिया खत अपने भाई गुलजार को। फिर मैंने दरिया की बड़ी मौज देखी जब अपने पीछे गुलजार की फौज देखी उसके मारने से जिस्म से सांस निकल रहे थे मुंह से अगले पिछले रात उगल रहे थे। लोगों ने कहा किस पे अजाब आया है मैंने कहा खत का जवाब आया है। जनाबे मैंने सारी उम्र जेल में गुजारी और इसके बावजूद इस जुर्म के बावजूद ही दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जनाबे सदर
दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है क्योंकि मैं डिंग डंग बबल खाता हूं और सबको दोस्त बनाता हूं। Sir, thank you so much for honoring us with your